नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बड़ौदा से जयंती राबड़िया सर, जो एक वरिष्ठ कलाकार होने के साथ साथ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के पेंटिंग डिपार्टमेंट में HOD भी हैं। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके कार्यशैली के बारे में, उनके जीवन के बारे में। जयंती सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू गोविंद। मेरा जन्म सौराष्ट्र के राजकोट ज़िले में धोराजी शहर में हुआ, वही मेरा प्रारंभिक अभ्यास हुआ। वल्लभ विद्यानगर से मैंने फाइन आर्ट्स की शुरुआत की, और जब मैंने फाउंडेशन कंप्लीट किया, बाद में मैंने बॉम्बे JJ स्कूल में एडमिशन लिया। तब मैं बॉम्बे जाने से पहले बड़ौदा में मेरे टीचर दुधाज सर के साथ KG सुब्रमण्यन सर को मिलना हुआ और पूछा क्यों आना हुआ, तो बताया JJ स्कूल में जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा सुझाव दिया कि मेरा सुनो और वापस चले जाओ, बॉम्बे अच्छा है, साथ साथ बड़ा भी है, कहाँ गुम हो जाओगे पता नहीं चलेगा, उससे अच्छा है छोटी जगह से पढ़ाई करो तो छोटी जगह को भी नाम मिलेगा और साथ साथ आपका भी नाम होगा। और हायर स्टडीज़ के लिए बड़ौदा आ जाना, फिर यहाँ पढ़ाई करना। जब मैंने मेरा हायर स्टडीज फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में मैंने प्रिंट मेकिंग और पेंटिंग डिपार्टमेंट से किया। जी सर, एक कलाकार के लिए फैमिली का सपोर्ट होना एक मील के पत्थर जैसा साबित होता है। आपके काम में एकेडमिक टच तो दिखता ही है, दूसरी बात ये कि पहले के काम में और अभी के काम में आपको कितना डिफरेंस नज़र आता है। आपके जो ये सीरीज़ हैं, ये कब से और कैसे शुरू हुए, इस बारे में आप दर्शकों से कुछ साझा करेंगे तो अच्छा लगेगा। जब शुरुआत के काम से देखा जाए तो मेरे काम में ज़्यादातर मैंने ऑन द स्पॉट वर्क काफ़ी किया था, तो मेरे काम नेचर पे आधारित रहा, जिसमें एनिमल, बर्ड्स, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, ह्यूमन फिगर वगैरह आता रहा, जिससे रोज़ाना भीड़ भाड़ वाली जिंदगी रिफ्लेक्ट होती है। जब अभी के काम में जो बातों बातों में एक दूसरे से बात करते हैं, तब बहुत कुछ बोलने की जगह दो शब्दों में मुहावरे बोल देते हैं, जो बहुत कुछ एक्सप्रेस करते हैं, जिससे लैंग्वेज का एब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक समय आता है जब हम दो शब्दों में अपने काम के बारे में विस्तार में बता सकते हैं। उसके बाद हमारे मन में एक सवाल और आता है कि आपने जो और अलग अलग माध्यम में काम किया, उसका इंस्पिरेशन आपको कब से आया और कैसे आया, उस बारे में कुछ साझा कर सकते हैं। अलग अलग माध्यम में काम करना अच्छा लगता है, तो जब मैंने कुछ ग्लास फ्यूज़ करके एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उस टाइम काफ़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने राउंड फॉर्म में कुछ काम किया था। बाद में बड़ौदा में लाइट पब्लिकेशन सेरामिक स्टूडियो में वर्कशॉप हुआ, वहाँ भी प्लेटर्स के ऊपर काम करना था। फिर मैंने बड़े बड़े 3-3 फीट के प्लेटर्स के अलग अलग माध्यम में, जैसे सेरामिक्स, ब्रॉन्ज, पेपर मेसी, इनेमलिंग वगैरह माध्यम में को लेकर के काम किया। जी सर, ये तो बहुत ही खूबसूरत काम है जो हम अभी देख रहे हैं। अच्छा, सभी के जीवन में अपने सोलो शो का एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन होता है जो एक छाप छोड़ कर जाता है। आपके जीवन में आपका पहला सोलो शो का क्या एक्सपीरियंस रहा, आप ज़रूर साझा करें। 1991 में मेरा पहला सोलो शो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुआ। जब मेरा डिस्प्ले चल रहा था, तभी पहला ही कदम हुसैन साहब ने कुर्सी हटा के अंदर आ गए, देखने लगे
और देख के पूछा, आर्टिस्ट कौन है? जब मैं पास में गया तो काफ़ी मेरे काम के बारे में बताया और 6 वर्क पसंद करके बुक करके प्रोत्साहित किया और बताया, काम कभी बंद मत करना, करते रहो, सफलता अपने आप मिलती रहेगी। जी सर, हुसैन साहब के बोले हुए शब्द जो अभी भी आपके कानों में शायद गूंजते होंगे, तो इसी के साथ हमारा ये आखिरी सवाल है कि नए आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स जो अभी अभी पास आउट होके निकले हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज के लिए ये कहूँगा, आर्ट एक क्रिएटिव फील्ड है जिसमें सोच समझ के अच्छी तरह मेहनत करते रहो, काम करते रहो और सभी चीज़ों का ध्यान देके ऑब्जर्वेशन करते रहो। स्केचबुक हर समय हाथ में नहीं होता है, तो उसी समय ऑब्जर्वेशन ही एक स्केचबुक और कैमरा है जिसका कभी भी उपयोग कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो भी आज बातें शेयर की वो हम सभी कलाकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो भी केजीदा व अन्य वरिष्ठ कलाकारों के जो भी अनुभव है, हम आने वाले लाइव के ज़रिए आपसे ये सारी बातें ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो किसी और के पास नहीं होगा, जो कुछ ही लोग हैं जो इन सब एक्सपीरियंस को सुना सकते हैं। तो इसी बात के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।